नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर हम 5502 ट्रैक्टर के कस्टमर रिव्यू लेकर आए हैं। बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इसका कस्टमर रिव्यू लेकर आओ, तो सारी बातें किसान की जुबानी से जानेंगे कैसा चला, कैसा अनुभव रहा ट्रैक्टर के साथ में। तो आप पहले थोड़ा अपना परिचय कराओ जी। नाम मेरा जयसिंह पाल, गांव मढ़ाला, ठीक है, जिला अलीगढ़, तहसील वाना का रहने वाला। ठीक है, आपने ट्रैक्टर कब खरीदा? 2 महीने हो गए। अच्छा, जो आपने सबसे पहला ट्रैक्टर चलाया वो कौन सा चलाया? या तो भाई 52 गियर पर जॉन डियर। ठीक है, तो जैसे 52 चलाया, 50 HP का ट्रैक्टर रहा, हाँ जी, ये भी 50 HP का, तो बेचने का कौन सा कारण रहा कि आपने बेच के फिर आपको बोटअप शिफ्ट हुए? वो डीजल ज़्यादा था बाकी वजह थे। किस किस इम्प्लीमेंट पर आपको ऐसा लगा कि हाँ डीजल थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा ट्रैक्टर? वो तो जी हर एक पे ज़्यादा ले, जैसे रास्ता में हम चल रहे हैं खाली खाली पे भी ज़्यादा डीजल, जैसा रोड पे ऐसे खाली। अच्छा, कोई सा ऐसा इम्प्लीमेंट हो जहाँ बढ़िया रहता हो परफॉर्मेंस? ना बाबा, तो ज़्यादा हो डीजल खर्चा, कहाँ पर चला गया, चाहे कल्टीवेटर या हैरो। अगर मान के चलो रोटावेटर के ऊपर ले मैं, हाँ, तो 1 घंटे में लगभग कितनी खपत कर रहा है? 1 घंटा में 8 लीटर डीजल। और काम काम तो सही कर रहा है, वैसे डीजल ज़्यादा ले। ठीक है, फिर आपने जैसे यू को बोट आप शिफ्ट हुए, तो इसका आपने डेमो वगैरह लिया या फिर ऐसी शिफ्ट हो गए? हमने तो ऐसे ही लिया, ऐसी ले लिया। फिर आपने जैसे यू ले लिया, तो जैसे जो भी कुछ सोच समझ के लिया, खरा उतरा ट्रैक्टर बिल्कुल? बिल्कुल खरा। तो आपने सबसे पहले ली थी किस चीज़ पे चलाया ट्रैक्टर? हमने सबसे पहले चलाया कल्टीवेटर पे। कल्टीवेटर पे 52:10 में, और इसमें क्या फ़र्क दिखाई दिया? यह कि पूरी लीवर नीचे गिरा के आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अब खेचो यार। और 52:10 वो दबे, कंट्रोलिंग बढ़िया नहीं हुआ। कंट्रोलिंग में क्या सिखाया था भाई? जैसे चल रही हमने सेट कर लिया, अपने आप नीचे गिर जाएगी पूरी। अच्छा, तो उसमें जॉनडियर में 2 तरीके की लिफ्ट आवे, एक तो आवे जॉनडियर वाली खुद की, एक मीटा की लिफ्ट है, उसमें कौन सी आपको पता हो? तो ये जानकारी नहीं। तो इसमें भी मीटा कंपनी की लिफ्ट यूज की जावे वैसे तो, उसमें एक तो मीटा की, 2 ऑप्शन है उसमें, कोई सी भी ले सको। अच्छा, बाकी और इम्प्लीमेंट पर जैसा आपने चलाया क्या क्या फ़र्क दिखाई दिया? देखो या कि चाल ज़्यादा है बातें रोटावेटर पर, हाँ, वैसे वो 2 व्हीलर के 4 व्हीलर। जैसे अब आप रोटावेटर पर चलाओ, कौन से गियर में चलाओ इसे? तीसरे में लोगे तीसरे। और उसे कौन से में चलावे? वो तीसरे में चला रहे लोग। ठीक है, तो मतलब चाल तो दोनों में ठीक मिल रही है, दोनों की बराबर चाल। तो डीजल की कहीं ना कहीं खपत तो जॉन डियर की आपको ज़्यादा लगी? हाँ, डीजल जॉन डियर की ज़्यादा, या भी कम है। रोटावेटर पे सेम है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत? बातें कम है। कितना फ़र्क पड़ा है लगभग? 1 बीघा में 250 ग्राम। 250 ग्राम फ़र्क पड़ा है। हाँ जी, अब अपना अपना काम करो जी, किराए का भी? किराए का तो फिर तो बचत दिखाई को बोटा ना। हाँ जी, खूब बचत दिखाई। अच्छा, कोई ऐसी कमी बताओ ट्रैक्टर के अंदर जो इसमें कंपनी कोई दूर करनी चाहिए आपको कुछ लगा? फिलहाल तो कोई कमी ना है, जैसे सही है सब इंजन तो। 52:10 4 व्हीलर जी आपका? 2 व्हील? 2 व्हील, 2 व्हील था। हाँ, तो 52:10 उस समय आपने किस कीमत के अंदर ख़रीदा? 8 लाख रुपए का कैश में। 8 में ख़रीदा? और हाँ, ये 10,10,000 रुपये। ठीक है, अब फिलहाल कितने दिन हो चुके जी लिए हुए? 2 महीने। 2 महीने हो चुके? हाँ। तो 2 महीने में आपने लगभग सभी इंप्लीमेंट पर चला के देख लिया, पूरी संतुष्टि है? पूरी संतुष्टि। अब बहुत से किसान ऐसे हैं जी पहले जॉन डियर की तरफ शिफ्ट होंगे, जी हम तो जॉन डियर लेंगे, कुबोटा को ऐसा माना है कि यू बस ऐसी है कि सही निकले ना निकले, क्योंकि बहुत कम किसानों के पास है अभी। तो उनसे क्या कहना चाहोगे कि जॉन डियर की तरफ शिफ्ट होंगे या कुबोटा की तरफ? कुबोटा की तरफ, डीजल का कारण है सबसे बड़ा। डीजल का, डीजल तो रोज रोड ले जाए क्या ना। अगर जैसे मान के चलो हम बिना लोड के ऐसी रोड पे चल रहे हैं, तो उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा जॉन डियर में? तो बहुत फ़र्क है, ये कम लिया रोड वो, मतलब खाली पे भी थोड़ा ज़्यादा लेगा डीजल। जैसे चलाई में कैसा कुछ और समस्या दिखाई दी हो आपको उस ट्रैक्टर में या इसमें? ना वैसे कोई समस्या ना, बढ़िया चलो। ये भी और वो भी? हाँ जी, रोड पर। हाँ, बट डीजल कम लिया बात। जैसे आप स्टेयरिंग में बताएं जी कुबोटा कुछ स्मूथ है, जॉन डियर के कुछ ठीक बताओ, तो आपको कुछ फर्क दिखाई दिया? तो कबूटा की बढ़िया 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 कबूटा की, एक गेयर गेयर बढ़िया का, उसे गेयर में काम ले रहे ना, कोई आवाज़ ना कोई उसमें आवाज ही। हाँ वो, हाँ, तो इसमें सिंक्रोमाइज गेयर बॉक्स दिया गया। हाँ, आपने जैसे रिवर्स पीटीओ वाला लिया आज ट्रैक्टर? हाँ जी। इसमें ऑप्शन आवे हैं 750 जो इकोनॉमी पीटीओ और रिवर्स, तो आपने रिवर्स का क्यों लिया? हमने अपनी मशीन की वजह से लगे, कभी जैसे रुक जाए, गट्टा लग जाए, तो अपने रिवर्स लगाए कि निकाल। बहुत से किसान इस ट्रैक्टर पर इस वजह से शिफ्ट हुए हैं कि उन्हें लगे जी आवाज़ कम है, वाइब्रेशन भी। हाँ, तो इस चीज़ का फ़ायदा है किसान को? हाँ जी बिल्कुल फ़ायदा, मतलब मज़ा आवे चलाने में। हाँ बिल्कुल। थकान में कुछ फ़र्क पड़ता हो चलाने में, जैसे लंबे समय तक चलाऊं? थकान तो है ही ना, आराम से सेफ चलाऊं। ठीक, अब जैसे 2 व्हील के ऊपर लगाऊं, 4 व्हील छोड़ दो,
तो जैसे ट्रॉली वगैरह के ऊपर लगा हुआ, तो स्लीपेज कौन से ट्रैक्टर की ज्यादा है, जैसे नरम मिट्टी हो? तो देखो ट्रॉली पे तो हमने ज्यादा चलाया ना, उस अपने अपने काम करो। हाँ तो और तो किसी चीज पे देखो, फोर व्हीलर टू व्हील का कहीं तक भी कोई तुलना है ही ना। हाँ। क्योंकि अगर दूसरा ट्रैक्टर की तुलना करें तो भी फोर व्हील होना चाहिए। हाँ जी। बाकी किसी तरह कोई गुंजाइश नहीं ट्रैक्टर में, कोई छोटी मोटी कमी दिखाई दी हो? छोटी कमी कछु ना, खाली एक मटार तो हल्के है इसकी, हल्के हैं मरगाड़। तो कंपनी ने जैसे नीचे सपोर्ट दिया तो उसको कुछ फायदा ना हुआ? ऊपर तो दबे हैं। अच्छा बैठे हैं जब दबे हैं ऊपर से, हल्के हैं। और कुछ कमी हो? और कोई कमी नहीं, बाकी ठीक है ट्रैक्टर। हाँ हाँ। तो भाइयों जानकारी आपको कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। 5502 की आज हमने जानकारी आप तक पहुँचाई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।